नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं संदीप सर जीके में। सारे लोग जल्दी से आइए माय डियर। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और जैसा कि मैंने बोला है तो लाजमी सी बात है, करना ही है उसको। एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं माय डियर, उस आधार पे हम 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करके जाना है और ये जो 50 आईएमपी टॉपिक है मैं विद इन 10 डेज फिनिश कर दूंगा। कल शाम को ही हमने प्लान बनाया था, कल शाम को मैंने 3 टॉपिक करा दिया था, आज मैं 5 टॉपिक कराऊंगा तो हमारे 8 टॉपिक हो जाएंगे। आज मैं टॉपिक नंबर 4 करा रहा हूं, 3 वीडियोस पहले कर दिया है, आज ये चौथा वीडियो है टॉपिक नंबर 4। ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई का एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, पटवारी लेखपाल है, आरबी एनटीपीसी CBT2 होगा, ग्रुप डी, ऑल एग्जाम के लिए है। लेकिन अभी हमारे सामने जीडी है तो हम जीडी की बात कर रहे हैं, वरना ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में जीके आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ मेरा टारगेट ये रहता है बेटा हमेशा कि पढ़ाते टाइम पे सिर्फ पढ़ाओ, पढ़ाओ ओनली, पढ़ाने के अलावा कुछ भी काम मत करो, वो सबसे बेस्ट तरीका, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं खूब बातें करूंगा, व्यूज आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। जो चीज 10 मिनट में बताना उसको 10 मिनट में बताओ, 25 मिनट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आपका मोटिवेशन होता है, सपोर्ट होता है, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। आप वीडियो शेयर करने में कंजूसी ना करें। आज का हमारा टॉपिक है कौन सा, हमारा टॉपिक है माय डियर आज का कि पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण जो शहर है सिटी है उनका नाम बदला गया है। क्वेश्चन पूछा है जीडी में, 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, 2 दिन में 6 शिफ्ट का पेपर हुआ है और 6 शिफ्ट में 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया कि महत्वपूर्ण शहर जो है, इंपॉर्टेंट कोई शहर है उसका नाम। जैसे एक पूछ लिया था श्रीलंका कंट्री, अब श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। तो अभी हम शहर पर फोकस कर रहे हैं और अगले वाले किसी वीडियो में मैं आपको कंट्रीज का बता दूं, किसी कंट्री या कोई विदेश कोई कंट्री है या कोई विदेशी शहर है उसका नाम। अभी हम इंडिया पे फोकस करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट नाम है जिनका चेंज हुआ है जल्दी जल्दी फटाफट डाल लेते हैं। सबसे पहला नाम है माय डियर आपका कौन सा, चेन्नई। आपने चेन्नई का नाम सुना है, आपको मालूम होना चाहिए माय डियर, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार आ चुका है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है, क्या है, मद्रास। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में बंबई मद्रास पढ़ा ना, मद्रास है। अगला नाम है कोलकाता, कोलकाता जो है माय डियर इसको पहले कलकत्ता कहा जाता था, हमारे यहां बोलते हैं ना कलकत्ता पान देना, अब यह कलकतिया पान देना हो कलकतिया पान होता है ना, वो पहले कलकत्ता से कलकतिया था लेकिन अब उसको कोलकाता बोलते हैं। ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब कानून बने थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा। आगे आते हैं माय डियर संभाजीनगर, जो औरंगाबाद है माय डियर, औरंगाबाद उसको संभाजीनगर कर दिया गया है। औरंगाबाद को क्या कर दिया गया माय डियर, संभाजीनगर कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला नाम है पुडुचेरी, जो पुडुचेरी है उसको पहले पांडिचेरी कहा जाता था। देखो दिखने में आसान लग रहा है, गलती कर दोगे आप, जनरली भाषा में पांडिचेरी करते हैं, वैसे है ओरिजिनल नाम पुडुचेरी। संभाजीनगर पहले नाम था औरंगाबाद, ठीक है। आपका कौन सा, चेन्नई, पहले उसको मद्रास बोलते थे, कोलकाता पहले कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता बोलते हो टिक लाके कलकत्ता आ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नाम, अगला नाम आता है कौन सा, अगला नाम आता है माय डियर वडोदरा, गुजरात में है वडोदरा। हम लोग बड़ौदा बोलते हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ बोलते हैं ना, बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, तो जो बड़ौदा है वो बड़ौदा नहीं वडोदरा है, उसका नाम बदल दिया गया है। अगला नाम है उत्तर प्रदेश, पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, इतिहास में जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, वर्तमान में इसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। हालांकि तो जनरल है, बहुत कम चांसेस गलत करने के, लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछा है, एक बार CDS का क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश को पहले क्या बोलते थे, लोग पगला गए, हे भगवान ये क्या था, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। अगला नाम है माय डियर आपका कोची, आपने जनरली कोचीन ही बोलते हो, मैं भाई मैं जीके पढ़ाता हूं, मैं लाखों बच्चों से बात करता हूं, मुझे मालूम है जनरली कोचीन कहा जाता है, लेकिन ओरिजिनल नेम क्या है इसका, ओरिजिनल नेम है कोची, क्या है माय डियर कोची। अगला नाम है आपका जलंधर, हां ये जलंधर ही बोलते हो आप, जलंधर ही बोलते हो, वैसे पुराना नाम था जलंधर, इसके क्वेश्चन के गलत करने के चांसेस कम है आप, ठीक है। चल नेक्स्ट आते हैं आपका पणजी, ये भी क्वेश्चन जो है गलत करने के चांसेस कम है, लेकिन यहां पर क्या करेगा, जलंधर को बोल देगा, देखो जलंधर तो जनरली भाषा फेमस है, आपसे बोलेगा जलंधर को पहले क्या बोलते थे, लिख देगा जुलंदर जिलिंदर जुलुंदर बुलुंदर कुछ भी, जलंधर इज राइट आंसर। वैसे यहां पर पणजी, पणजी जो है गोवा की राजधानी है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पणजी को पहले पंजिम बोलते थे, क्या बोलते थे, पंजिम बोलते थे। माय डियर चांसेस हैं गलत करने के, यहां पर क्या बोलते थे, पंजिम बोलते थे। अब आपसे पूछेगा पणजी को पहले क्या बोलते थे, पड़ू जी बोलते थे, पुरी जी बोलते थे, पारू आलू समोसा बोलते थे, गलत कर दोगे, पंजिम बोलते थे। क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में तो करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में है मेरे, ठीक है। अगला है बंगलुरु, हम ना बंगलोर बोलते थे, बंगलोर कहां गए थे, बंगलोर गए थे, हाँ बंगलोर गए थे, बंगलोर नहीं बंगलुरु है, बंगलुरु है, लेकिन पहले इसको बंगलोर बोलते थे, लिख लो कहीं ध्यान से, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है आपका तंजावुर। तंजावुर को हम जनरली तंजौर बोलते हैं लेकिन ओरिजिनल नेम तंजावुर है, चेंज किया गया है। नेक्स्ट आता है त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम। क्वेश्चन पूछ लेगा देखो तिरुवनंतपुरम जनरली हम भाषा में बोलते हैं लेकिन क्वेश्चन बोलेगा ये बताओ तिरुवनंतपुरम को पहले क्या बोलते थे, गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको मैं। अगला कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है आपका उड़ीसा। हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, उड़ीसा ही बोलते हैं ना, उड़ीसा गया था उड़ीसा, है ना, है ना, जेब में क्या है वो पैसा है, पैसा रखे खींचा चले गए लड़कियां लेने उड़ीसा, है ना, तो उड़ीसा नहीं है माइडियर, ओड़ीसा है। क्या ओड़ीसा, क्या है ओड़ीसा, उड़ीसा नहीं है, ओड़ीसा है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुंबई, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो है। मुंबई को पहले बंबई बोलते थे, क्या बोलते थे, बंबई नगरिया है देख बाबू, बंबई बोलते थे, क्या बोलते थे, बंबई, बंबई से क्या हो गया है वो मुंबई हो गया है, ध्यान रखना बेटा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है कौन सा, अगला नाम आता है वाराणसी। जो वाराणसी है पहले बनारस था, बनारस को वाराणसी कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वाराणसी बनारस से किए, पहले बनारस था वाराणसी हो गया है। अगला नाम है दिल्ली, जो दिल्ली है मारियर ये शाहजहानाबाद कहा जाता था पहले, शाहजहानाबाद है, बहुत कम बच्चों को मालूम होगा, दिल्ली को पहले शाहजहानाबाद कहा जाता था, अब इसको दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट नाम है आपका उत्तराखंड, जो उत्तराखंड स्टेट है माइडियर इसको पहले उत्तरांचल कहा जाता था, क्या बोलते थे, उत्तरांचल बोलते थे, लेकिन अब ये उत्तराखंड कहलाता है। नेक्स्ट नाम है कोझिकोड, जो कोझिकोड है ये कालीकट, कालीकट सुना ना 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह आया था, ये रटे हो गए आप लोग, तो जो कालीकट है उसको क्या बोलते हैं इसमें, कोझिकोड कहा जाता है। नेक्स्ट नाम आता है माइडियर कौन सा, गुवाहाटी, तो जो गुवाहाटी है माय डियर इसको पहले गुवाहाटी बोलते थे, क्या बोलते थे, गुवाहाटी कहते थे, फेमस है, आसान है। अगला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत कहा जाता था, ठीक है, मध्य सेंट्रल प्रोविंस बरार ये सब मिला के मध्य प्रांत कहलाता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट नाम आता है कौन सा, अगला नाम आता है पूना। हम लोग जनरली भाषा में पूना ही बोलते हैं, हमारा दोस्त पूना में रहता है, हमारे बड़े भैया पूना में रहते हैं, है ना, घर ले लिए हैं, बहुत भयंकर पैसा उनके पास है, इस टाइप का है। तो पूना, पूना का जो नया नाम है माय डियर, पूना को इस टाइम पे क्या बोलते हैं, पुणे, क्या बोलते हैं, पुणे, ठीक है। चल अगला है उटकमंड, सुने होंगे ना ऊटी, बड़ी फेमस जगह थी, आपको मालूम होगा कि जो मिथुन चक्रवर्ती हैं उनकी जो फिल्में शूट हुआ करती थी मारिया, मैक्सिमम फिल्में उनकी ऊटी में शूट हुआ करती थी, लेकिन ऊटी को क्या बोलते हैं, उटकमंड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा आपका, विशाखापट्टनम, जो विशाखापट्टनम है मारियर इसको पहले बोलते थे विजय का पट्टनम, क्या बोलते थे, विजय का पट्टनम, अब हो गया विशाखापट्टनम, लिख लेना इंपॉर्टेंट है। अगला है त्रिशूर, त्रिशूर को त्रिचूर जो है ना, त्रिचूर, त्रिचूर को त्रिशूर कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट नाम आता है हमारे कौन सा, अगला नाम आता है गुरुग्राम, जो गुड़गांव है दिल्ली में, दिल्ली में जुड़ा हुआ एनसीआर में, गुड़गांव, गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया गया, याद कर लीजिएगा, ठीक है, जनरली भाषा में गुरुग्राम, गुड़गांव ही लोग बोलते हैं लेकिन है ये गुरुग्राम। नेक्स्ट है प्रयागराज, जो अलाहाबाद है माय डियर अब उसको प्रयागराज कर दिया गया, अलाहाबाद को क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो ये है इंपॉर्टेंट जो नाम बदले हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो यार हजारों नाम बदले हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है, जो एग्जाम में पूछा है पिछले 21 सालों में, वो सारा मैंने करा दिया 10-10 मिनट के वीडियो में। बेटा देखो मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना आपका, मैं चाहूं तो कमेंट्स पढ़ूंगा, हाँ बहुत सुंदर, हाँ लल्लू, अरे वाह बहुत सुंदर, लल्लू लाइक किया कि नहीं किया, अरे लल्लू लाइक कर, उससे आपका लल्लू का नुकसान होगा ना बेटा, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करो, टॉपिक टॉपिक बात करो, टॉपिक कंप्लीट, बाय बाय। अब आपके ऊपर दिमाग, देखो बेटा टाइम बचाना पड़ेगा हमको, मेरे को भी आपको भी, समय बचेगा, समय की कीमत करेंगे तो मैं एक और वीडियो कर दूंगा, वरना इसी क्लास को मैं आधे घंटे पढ़ाऊंगा, एक घंटे पढ़ाऊंगा, मुझे बहुत बेनिफिट होगा उससे, मुझे पैसा भी मिलता है भयंकर ज्यादा, सब्सक्राइबर भी मिल जाएगा, लाइक भी मिल जाएगा, व्यूज भी आएंगे, लेकिन उससे नुकसान आपका होगा, जो चीज 10 मिनट में होना चाहिए था उसको मैं 30 मिनट में करा रहा हूं। ये लोग करते हैं आजकल, मार्केट में बहुत चला है भैया, ठीक है जैसा चल चले, हमको तो अपने काम साफ काम करना है, मैं वही करूंगा जो आपके इंटरेस्ट में है, मेरे इंटरेस्ट में है। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, और टाइमिंग नोट कर लीजिए, टाइमिंग आपको मालूम होगा, शाम की टाइमिंग फिक्स कर दी है 7 बजे, 9 बजे और 10 बजे, 3 टाइम फिक्स है, दिन में मैं 2-3 क्लास कहीं भी ले लिया करूंगा, ठीक है।